हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रियास लवली किचन। आज मैं आपके साथ एकदम सिंपल तरीके से टेस्टी आलू बैंगन की सब्जी कैसे बनाना है वो शेयर कर रही हूँ। चलो आप इस रेसिपी को ट्राई कीजिए, आपको पसंद आएगी। तो चलिए देखते हैं आलू बैंगन की सब्जी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की आवश्यकता होगी। आलू और बैंगन की सब्जी बनाने के लिए इधर मैंने दो आलू लिए हैं। आलू के ऊपर का छिलका निकाला है और एकदम छोटे साइज के पांच बैंगन लिए हैं। आलू और बैंगन को मैं बाद में कट करूंगी। एक कटा हुआ प्याज, एक कटा हुआ टमाटो, दो चम्मच मूंगफली की पाउडर। मूंगफली को भून के उसे मिक्सर में पीसा है। एक ग्रेवी के लिए थिकनेस चाहिए, इसीलिए मैंने ली है। आपको मूंगफली पसंद है तो इसे अवॉइड कीजिए। आधा चम्मच सरसों, आधा चम्मच जीरा, एक चम्मच अदरक और लहसुन की पेस्ट, एक चौथाई चम्मच हल्दी, थोड़ा हींग, एक चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, टेस्ट के लिए नमक, तकरीबन डेढ़ छोटा चम्मच नमक है, कटा हुआ हरा धनिया और एक छोटा चम्मच गुड़। गुड़ भी टोटली ऑप्शनल है, आपको करी में पसंद है तो डाल लीजिए। और इसके साथ हमें लगेगा दो बड़े चम्मच तेल। और ये जो आलू और बैंगन है, आलू को मैं कट करके पानी में रखूँगी और बैंगन को मसाला बनाने के बाद कट करूंगी। ये दोनों को मैंने धो के लिया है। आप चाहे तो आलू बैंगन को दोनों को भी धो के पानी में रख सकते हो, लेकिन मैं हमेशा बैंगन को डायरेक्ट कट करके करी में डालती हूँ। गैस के ऊपर पैन गरम करने के लिए रखा है। इसमें दो बड़े चम्मच तेल डालेंगे। मैं तेल का यूज ज़्यादा कर रही हूँ, आप चाहे तो एक चम्मच ही डाल दीजिए। तेल गरम हुआ है, सरसों डालेंगे। सरसों चटकने लगी है, जीरा डालेंगे, अदरक और लहसुन की पेस्ट, और अदरक और लहसुन की पेस्ट को थोड़ी देर के लिए भूनेंगे। अब हम इसमें डालेंगे कटे हुए प्याज और प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक पकाना है। प्याज अच्छी तरह से भूनना जरूरी है। तो देखिए इसी तरह से प्याज गोल्डन दिखने लगे हैं। इसमें हींग डालेंगे और मिक्स करेंगे। अब हम इसमें डालेंगे कटे हुए टमाटोज। मिलाते हैं टमाटो को। इसी टाइम ही मैं इसमें नमक डाल रही हूँ ताकि टमाटो भी अच्छी तरह से नमक के साथ पक जाएंगे। टमाटो को सॉफ्ट होने तक पकाना है। टमाटो अच्छी तरह से पक गए हैं। अब हम इसमें डालेंगे मसाले, हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, गुड़ डालेंगे, थोड़ा कटा हुआ हरा धनिया और पिसी हुई मूंगफली। इन सारी चीज़ों को मिक्स करके एक से दो मिनट मीडियम फ्लेम पे भूनेंगे। इसमें से तेल अलग होने तक भूनना है, ये मसाला जल्दी से भून जाता है। तो इसी तरह से मसाला बन के तैयार है, मसाला भून के तैयार है। अब हम इसमें डालेंगे आलू। आलू को मैंने कट करके पानी में रखा था। मिक्स करेंगे इन आलू को। गरम मसाला डालेंगे और इन सारी चीज़ों को फिर से एक बार अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। गैस की फ्लेम लो करेंगे और पैन के ऊपर ढक्कन रख के इन आलू को लो फ्लेम पे 3 से 4 मिनट पकाएंगे, क्योंकि आलू पकने में थोड़ा देर लगता है और बैंगन जल्दी से पक जाते हैं, तो इसीलिए आलू हम पहले डालेंगे। तब तक के लिए जो बैंगन है, बैंगन को मैं कट करूंगी। एक बैंगन है, बैंगन को 4 टुकड़ों में कट करेंगे। बड़ा वाला बैंगन है तो उसके छोटे छोटे पीसेस बना सकते हो। आपको बैंगन का डंठन पसंद है तो रख दीजिए, नहीं तो इसे निकाल दीजिए। आप बैंगन को इसी तरह से 4 टुकड़ों में कट कर सकते हो, नहीं तो इसी तरह से छोटे टुकड़ों में भी कट कर सकते हो। अब मैं इस बैंगन को पानी में नहीं रखूंगी, डायरेक्ट कढ़ाई में डालूंगी। तब ये बैंगन की टेस्ट बहुत अच्छी आती है। देखो इधर भी 4 मिनट हुए हैं, आलू हल्के से पक चुके हैं। एक बार इसे मिक्स करेंगे और इसमें डालेंगे कटे हुए बैंगन।
मिक्स करेंगे बैंगन को अच्छी तरह से और एक मिनट मध्यम आंच पे इसे भूनेंगे। आपको सूखी सब्जी चाहिए तो इसमें बिल्कुल थोड़ा पानी डाल के पैन के ऊपर ढक्कन रख के इसी तरह से ही पका सकते हो। और करी चाहिए तो इसमें पानी डाल दीजिए। मैं थोड़ी करी बना रही हूँ। मैं इसमें तकरीबन एक कप पानी डालूँगी। सारी चीज़ों को मिक्स करना है और इसे उबलने देना है। इस करी को अच्छी तरह से उबाल आया है। गैस की फ्लेम लो करेंगे। अब पैन के ऊपर ढक्कन रख के बिल्कुल ही धीमी आंच पे 15 मिनट पकाएंगे। 15 मिनट में आलू बैंगन की सब्जी बहुत ही अच्छी तरह से बनके तैयार हो जाती है। 15 मिनट हो गए हैं, ढक्कन निकालेंगे। देख लीजिए बहुत ही अच्छी टेस्टी आलू बैंगन की सब्जी बनके तैयार है। एक बार इन्हें मिक्स करेंगे और करी भी थोड़ी थीक है। आलू को चेक करेंगे। देखो आलू भी पक गए हैं और बैंगन भी। अब हम गैस बंद करेंगे और इस गर्मा गर्म आलू बैंगन की सब्जी को एक सर्विंग प्लेट में सर्व करेंगे। इसकी करी भी बहुत ठीक है। आपको ज़्यादा पतली चाहिए तो पानी और डाल सकते हो। गार्निशिंग के लिए थोड़ा कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। नीचे गर्मा गर्म बहुत ही टेस्टी झटपट आलू बैंगन की सब्जी बनके तैयार है। आप इस सब्जी को जल्दी से टिफिन के लिए भी बना सकते हो। तो फ्रेंड चलो आप इस सब्जी को ट्राई कीजिए, आपको पसंद आएगी। मेरे आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी, पसंद आई तो लाइक और शेयर करना मत भूलिए। तो चलिए फिर हम मिलते हैं ऐसी ही नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे।